नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अभी हम हैं लोखंडी में, आपने थोड़ा इंट्रो तो देख लिया होगा, अगर किसी ने गेस कर लिया है तो वेरी गुड, एंड अगर गेस नहीं किया है तो वी आर गोइंग टू मोइला टॉप। अभी लोखंडी से थोड़ा सा और ड्राइव है, ये थोड़ा और रास्ता है 15 मिनट का, एंड उसके बाद से हमारा ट्रैक स्टार्ट है अराउंड 40 to 45 minutes, एंड उसके बाद अच्छे से व्यूज दिखाएंगे आपको मोइला टॉप के। सो लेट्स गो। तो फाइनली देवदार पेड़ों के बीच से निकलते हुए हम आ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट मोइला टॉप के जो ट्रैक है। बाइक से तो बड़ा आसान है मेरे लिए रास्ता, बट गाड़ी के लिए थोड़ा बचा बचू के आपको चलना पड़ेगा। बड़े बड़े देवदार के पेड़ है, फुल छांव है, और लगता नहीं है अभी कि ये जून की गर्मी है। यहाँ पे इस पार्ट में बड़ा ही ठंडा है और ग्रीनरी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड ग्रीनरी के लिए माना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये छोटा सा ट्रैक मोइला टॉप के लिए, और आपको दिखाते हैं ये बीच में ये वादियाँ, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता। तो अगर किसी को मोइला टॉप जाना है तो ये ऊपर वाला रास्ता मोइला टॉप के को जाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये वन विभाग का गेस्ट हाउस है, और यहाँ से आप देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है। हमारे साथ आज भी आए हैं चैंग भाई, लोकल ही हैं, अपने आपको छुपा रहे हैं। इनका भी एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। एंड किसी को चकराता घूमना है तो श्योरली वो चैंग भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा थोड़ा बहुत रेफरेंस भी दे सकते हैं। नीचे जो मार्किंग थी तो उसमें था कि 2.5 किलोमीटर है मोइला टॉप, एंड बस शुरुआत के थोड़े स्टेप्स तो अच्छे खासे स्टीप हैं जैसे उत्तराखंड में हर ट्रैक के होते हैं। 2.5 इज़ नॉट दैट मच आई बिलीव, और इसके बीच में तो यार इस व्यू के बीच में तो ऑब्वियसली तुम इतना अच्छा ट्रैक कर ही सकते हो। नाव और जस्ट अभी हम इस रास्ते से मोइला टॉप पहुंच जाएंगे। बहुत प्यारी हवा चल रही है, बस
लग नहीं रहा अभी कि टिपिकल जून है एंड पूरा खाली है, मे बी बिकॉज वीकडे है एंड मैं और चैंग बस पहुंच गए जस्ट आई कैन सी बुग्याल फ्रॉम हियर, बस 2-3 मिनट का रास्ता और एंड हम पहुंच जाएंगे मोइला टॉप। अभी उधर जाते हैं, उधर ही बैठेंगे और ड्रोन शॉट्स लेते हैं वहाँ से, यहाँ से आसपास के। तो बस चलते हैं अब मंदिर की ओर, थोड़ा मट्ठा टेकते हैं। शिव का मंदिर है तो मट्ठा टेकना तो बहुत ज़रूरी है, बस इधर आए हैं तो। बस ज़्यादा दूर तो नहीं, 2.5 किलोमीटर है और ये है शिव का मंदिर। तो जो गुफा का रास्ता है थोड़ा सा आपको और नीचे जाना पड़ेगा, छोटा सा लेक है उससे भी नीचे थोड़ा ऐसे सा रास्ता है इधर जो गुफा बोलते हैं उसकी तरफ। गुफा से पहले ये है किसी जानवर की बैकबोन है, यहाँ पे एक और जानवर की बैकबोन और जॉ आए जस्ट होप यहाँ पे गया। ये है गुफा, चलते हैं गुफा के अंदर क्या है। ओके फंस जाएंगे ब्रो गुफा कुछ है कुछ फ्लैश खोलो ना इसका। अरे यार आजो। अरे ओ भाई साहब क्या है गुफा के अंदर, बैग मुंह ही छोड़ दिया भाई, बहुत गहरा है रहने दे हैं, काफी ज्यादा हाइट है इसकी यार। हाइट तो छोड़, राइट साइड में कुछ होगा भाई, चले बाहर है? रहने देते भाई चले। और यहाँ तो यहाँ से भाई वापस चलते हैं, बहुत ही गहरी है तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, फंस जाएंगे तो बुरे फंस जाएंगे। तो भाई केव तो बहुत गहरा है तो रिस्क नहीं लेना बस। तो अब चलते हैं, यहाँ पे पॉन्ड है ये देखो। एक बहुत छोटा सा पॉइंट था उधर पे, जैसे उधर देख सकते हैं वो है छोटा सा, गाय और खच्चर और घोड़े इधर चरने आते हैं उनके लिए है वो, और डॉग्स भी हैं इधर, दो डॉग आए थे हमारे साथ में, अभी तो एक ही दिख रहा है। तो दैट्स इट मोलिया टॉप, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज वेल, एंड टिल देन Stay tuned for more videos. And अभी के लिए नीचे जाके कहीं देखते हैं, कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं, आज रात कैंपिंग करते हैं चक्राता में, इंजॉय करते हैं कि कितना अच्छा अभी कितनी हवा चलने लगी, 2 बज गए और मस्त हवा चल रही है, तो कोई बढ़िया कैंपिंग साइट ढूंढते हैं। मोलिया टॉप में तो आई गेस आप नहीं कैंप कर सकते, सो वील फाइंड अ प्लेस समवेयर एल्स, एंड आज आउटिंग करते हैं पूरी, टिपिकल आउटिंग विद कैंपिंग। तो
चलते हैं नीचे।